हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी किड्स लर्निंग। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं 25 बेडरूम में कौन कौन से सामान होते हैं, उनके नाम हिंदी और इंग्लिश में। सोने के कमरे में इस सामान का नाम हिंदी में है तकिया। तकिया को इंग्लिश में यहाँ पर स्पेशलिटी पिल्लोस कहते हैं। बेडरूम के सामान का नाम है गुलदान। गुलदान को इंग्लिश में कहते हैं वास। इस बेडरूम के सामान का नाम हिंदी में है पर्दा। इस तरह के पर्दा को इंग्लिश में वैलेंस कहते हैं। इस घर के सामान का नाम हिंदी में है इस्त्री करने वाला तख्ता। इस्त्री करने वाले तख्ते को इंग्लिश में कहते हैं आयरनिंग बोर्ड। इस बेडरूम में रखने के सामान को हिंदी में कहते हैं रजाई। रजाई को इंग्लिश में कहते हैं क्विल्ट। इस बेडरूम के सामान का नाम हिंदी में है सोने का तकिया। सोने के तकिया को इंग्लिश में कहते हैं स्लीपिंग पिल्लोस। सोने के कमरे में इस सामान को हिंदी में कहते हैं शटर, और शटर को इंग्लिश में भी कहते हैं शटर। बेडरूम में रखे जाने वाले इस सामान का नाम है हिंदी में रेडियो। रेडियो को इंग्लिश में रेडियो कहते हैं। इस घर के सामान का नाम हिंदी में है गद्दा, जो बेड के ऊपर होता है। गद्दा को इंग्लिश में कहते हैं मैट्रेस। बेडरूम में रखे जाने वाले इस सामान को हिंदी में कहते हैं लैंप, और लैंप को इंग्लिश में भी लैंप कहते हैं। सोने के कमरे में इस सामान को हिंदी में कहते हैं लिखने की मेज। लिखने की मेज को इंग्लिश में राइटिंग डेस्क कहते हैं। बेडरूम में रखे जाने वाले इस सामान को हिंदी में कहते हैं पौधे। पौधे को इंग्लिश में कहते हैं प्लांट्स। इस घर के सामान को हिंदी में कहते हैं तकिए की खोल, इंग्लिश में कहते हैं पिल्लो केसेस। इस बेडरूम आइटम का नाम हिंदी में है कालीन, इंग्लिश में कहते हैं रग। बेडरूम के फर्नीचर का नाम हिंदी में है टीवी रखने की अलमारी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टीवी कैबिनेट। इस बेडरूम के फर्नीचर का नाम हिंदी में है बिस्तर। बिस्तर को इंग्लिश में बेड कहते हैं। सोने के कमरे में अप्लायंस का नाम हिंदी में है रात में जलाने वाली लाइट, को इंग्लिश में कहते हैं नाइट लैम्प। बेडरूम के सामान का नाम हिंदी में है दर्पण। दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहते हैं, जिसको देखकर तैयार होते हैं। होम अप्लायंसेस का नाम हिंदी में है पंखा। पंखा को इंग्लिश में फैन कहते हैं। बेडरूम के फर्नीचर का नाम हिंदी में है श्रृंगार पटल, ड्रेसिंग टेबल कहते हैं। इस बेडरूम आइटम नेम हिंदी में कहते हैं पुस्तक तख्ता। पुस्तक तख्ता को इंग्लिश में बुक शेल्फ कहते हैं। इस घर के सामान का नाम हिंदी में है कुर्सी। कुर्सी को इंग्लिश में चेयर कहते हैं। बेडरूम में रखे जाने वाले इस सामान को हिंदी में कहते हैं अलार्म घड़ी। अलार्म घड़ी को इंग्लिश में अलार्म क्लॉक कहते हैं। बेडरूम के इस सामान का नाम है इंग्लिश में एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर को हिंदी में वातानुकूलक कहते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें एबीसी किड्स लर्निंग चैनल को।